इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, टू फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो इसको फिगर आउट कर लीजिए कि कोई फ्लास्क है, ये कोई नैरो ट्यूब है जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है और इनमें है ना गैस हमको दिया हुआ है। अब ये भी वी वॉल्यूम है और ये भी वी वॉल्यूम है, तो कहा गया है नैरो ट्यूब से ऑल एट 27 डिग्री सी, तो यहां भी गैस है 27 डिग्री सी। आगे क्या कहा जा रहा है, एंड कंटेन 0.70 मोल ऑफ H2 एट 0.5 atm, तो प्रेशर इक्वल होना चाहिए है ना, जो है वो सारे डेटा इक्वल है। हम कह सकते हैं कि यहां पे कहा जा रहा है PV is equal to nRT लगाएं, तो प्रेशर 0.5 है ना, वॉल्यूम जो हो गया वो अपने 2V हो गया, V और V दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो यहां से हम ये इक्वल वॉल्यूम वाले कंटेनर जो हैं इनका वॉल्यूम जो है वो निकाल देंगे, मोल्स पता है इसे, एटीएम लीटर सिस्टम में इसको अपन कर रहे हैं, और R की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया। एक बार फिर से पॉइंट्स को सुन लीजिए, यहां पे क्या किया गया है कि मतलब इक्वल प्रेशर है, सारी कंडीशन आइडेंटिकल होने के कारण V सेम है, T सेम है, तो ऑब्वियसली जो है वो यहां पे मोल्स जो है वो इक्वली डिवाइडेड है, इसमें भी जो है वो सेम मोल्स होंगे, इसमें भी सेम मोल्स होंगे, और जो है ये यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम वाला इसमें स्टेटस हो गया। अब नेक्स्ट फिगर में कंडीशंस को हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक फ्लास्क को 127 डिग्री सी में कर दिया गया, ठीक है, एक में टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, सपोज करिए ये 27 डिग्री सी पे ही है और ये 127 डिग्री सी पे हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि गैस तब तक मूव करेगी जब तक कि दोनों में इसका प्रेशर अगेन सेम ना हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया है इसमें P प्रोपोर्शनल टू T, तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो इधर से इधर डिफ्यूज होगी, तो माना इसमें से मोल्स हो गए इतने, तो इसमें मोल कितने हो जाएंगे, इतने मोल हो जाएंगे। और क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि व्हाइल द अदर रिमेन्स एट 20 द फाइनल प्रेशर इन ईच फ्लास्क इज, तो हमें मतलब जो है वो एक्स भी निकालना है और जो है वो उसके बाद प्रेशर फाइंड करना है, तो यहां पे अगर दो इक्वेशन बना ली जाए, क्योंकि अब जैसे P फाइनल जो है वो हो गया नया प्रेशर, P फिजिकल टू NRT लगाएं, जैसे इस वाले कंटेनर में लगा लेते हैं, ये 0.35 प्लस एक्स इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 300, लेट इट वन इक्वेशन, ऐसे P फाइनल तो सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, ये मोल्स कम हो गए है ना, पहले 0.7 मोल थे, तो दोनों में इक्वल इक्वल थे, सब कंडीशन इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, इक्विलिब्रियम है, यहां पे कितना हो गया 400, तो 1 और 2 में डिवाइड कर ले और उससे एक्स फाइंड कर ले। अब स्टेज पे हम जो है वो एक्स
कितना मोल है ये जान रहे हैं। तो जब एक्स हमारे आ गया, अब हमें प्रेशर निकालना है, जैसे कोई भी कंटेनर से निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि हम जो है वो प्रेशर फाइनल जो है वो इस वाले कंटेनर से निकाल रहे हैं, वॉल्यूम यहां हम जानते ही हैं, ये फाइंड करना ही है 0.35 प्लस एक्स, ये हम यहां पे जान ही रहे हैं, और आर 0.082, टेम्परेचर कितना है इसमें 300। तो यहां से जो है वो इसमें पीएफ आ जाएगा। अगर इसमें से निकालते हैं तो टेम्परेचर 400 करना पड़ता और यहां पे माइनस एक्स करना पड़ता। तो तीन मेन स्टेप हो गई, पहले मैं वॉल्यूम निकाल लिया दोनों का, यहां 2V रखा, पूरे ओवरऑल को लिया है, पूरे ओवरऑल के मोल्स लिए, इसमें 0.35 है, इसमें 0.35 है। उसके बाद ये जो कंडीशन नई है उस केस में जो है वो अलग अलग वेसल्स के हिसाब से लगा दिया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर इक्वल करने के लिए मोल्स इधर से इधर गए। जब एक्स आ गया तो पी फाइनल निकालना है, अगेन पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दिया, वी जान रहे, एक्स जान रहे, पी एफ निकाल लिया, और अगर इससे निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। दिस इज द आंसर।